और अब बात करेंगे लाचार सिस्टम में सुशासन की मौत की। पति के कंधे पर पत्नी की लाश, एम्बुलेंस का इंतजार करती रही बेबस आंखें। मुजफ्फरपुर में इंसानियत की मौत की तस्वीर। एम्बुलेंस मिल रहा है ना, कोई उपाय है ना, मेरे पास पैसा है, किस तरह से ले जाएगा। हम पति के कंधे पर पत्नी की शव यात्रा। लाश के लिए नहीं दी अस्पताल ने एम्बुलेंस। हॉस्पिटल वाले लोग कह रहा है कि जब व्यवस्था कीजिए, फोन कीजिए, कोई फोन नहीं उठा रहा है ना कुछ कर रहा है। नहीं उठाया 1099 नंबर पर फोन। ये तो एम्बुलेंस तो डेड बॉडी धोने के लिए नहीं है, पेशेंट के लिए रखा गया है उसको। तो संवेदनहीन सिस्टम की लापरवाही देखी। लेकिन लेट बॉडी को ले जाने के लिए तो कुछ ले जाना के लिए तो तैयारी करना ही ना होगा उन लोगों को, कुछ कैसे ले जाएं, क्या ले जाएं। लाचार सिस्टम में सुशासन की मौत। ये तो हम व्यवस्था करवा दिए थे और वो सबको ऑटो में ही रख करके ले गए हैं। तो बिहार में सुशासन के दावे करने वाली सरकार को आज संवेदनहीन सिस्टम की तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में अपनी पत्नी की मौत के बाद जब पति ने शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए बात की, लेकिन संवेदनहीन अस्पताल प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। आई अपने बिहार में सेहत की बयार, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा आए आपके ही द्वार। आई अपने बिहार में सेहत की बयार, आई अपने बिहार में सेहत की बयार। ये तो एम्बुलेंस तो डेड बॉडी धोने के लिए नहीं है, पेशेंट के लिए रखा गया है उसको। तो काल 102 पर जैसे ही करे, सारी जानकारियां पल में दर्ज करे, हम तुरंत ही सुने आपकी पुकार। आई अपने बिहार में सेहत की बयान। तो उसके लिए मर्चुरी वाहन है और मर्चुरी वाहन का ड्राइवर चालक था नहीं, पटना गया हुआ था। ये बिहार में मेडिकल सुविधाओं का वो कड़वा सच है जिसे विज्ञापनों के जरिए जनता से दूर रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज हम आपको बिहार के सुशासन में सिस्टम की मौत की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिससे इंसानियत को थोड़ी शर्म आ जाएगी। ये मजबूर पति के कंधों पर पत्नी की लाश की तस्वीर है। ये मुजफ्फरपुर के अस्पताल में इंसानियत की मौत की तस्वीर भी है। ये संवेदनहीन सिस्टम में सुशासन की मौत की भी तस्वीर है। बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में इलाज कराने आए एक शख्स की पत्नी की मौत हो गई। जब शव को ले जाने की बारी आई तो अस्पताल में एम्बुलेंस की खोज शुरू हुई। परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन से शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की प्रार्थना की, लेकिन संवेदनहीन अस्पताल प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। एम्बुलेंस तो दो थी हमारे पास, लेकिन डेड बॉडी को एम्बुलेंस नहीं ले जाया जा सकता है। तो उसके लिए मर्चुरी वाहन है और मर्चुरी वाहन का ड्राइवर चालक था नहीं, पटना गया हुआ था। तो हमने लोकल व्यवस्था करके लोगों को व्यवस्था दिया और सभी लोग शांतिपूर्वक यहां से चले गए। जेब में पैसे की किल्लत के चलते एम्बुलेंस नहीं जुटा पाने की दिक्कत और अस्पताल से एम्बुलेंस न देने की बेरुखी कई घंटों तक चलती रही। मदद के लिए परिवार वाले अस्पताल के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर दस्तक देते रहे। इसी दौरान परिजनों ने अस्पताल की ऑन ड्यूटी नर्स से एम्बुलेंस की मांग की। नर्स ने परिजनों को 1099 पर फोन करने को कहा और गेट बंद कर दिए। काफी मशक्कत के बाद जब 1099 पर फोन लगा तो किसी ने फोन नहीं उठाया। एम्बुलेंस मिल रहा है ना, कोई उपाय है ना, मेरे पास पैसा है, किस तरह से ले जाएगा। हम हॉस्पिटल वाले लोग कह रहा है कि जब व्यवस्था कीजिए, फोन कीजिए, कोई फोन नहीं उठा रहा है ना कुछ कर रहा है, हम क्या करें। लेकिन लेट बॉडी को ले जाने के लिए तो कुछ ले जाना के लिए तो तैयारी करना ही ना होगा उन लोगों को, कुछ कैसे ले जाएं, क्या ले जाएं। हमारे यहाँ तो एम्बुलेंस का सुविधा उसके लिए है नहीं। पत्नी की मौत के बाद घंटों तक अस्पताल के चक्कर काटने के बाद उसके पति के सब्र का बांध टूट गया।
इसके बाद परिवार वाले एक चादर में डालकर महिला की लाश को लेकर चल दिए। बिहार में इंसानियत की मौत की ये तस्वीर सुशासन का दावा करने वाली सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर सुशासन के राज का ढोल पीटने वाली सरकार के राज्य में कब तक गरीबी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक मरीज के तौर पर भारत का संविधान आपको बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार देता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1 लाख की आबादी पर एक एम्बुलेंस जरूरी है। एम्बुलेंस में एडवांस बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। शहरी इलाकों में एम्बुलेंस का 20 मिनट में पहुंचना जरूरी है, तो छोटे शहरों में एम्बुलेंस का 25 मिनट में पहुंचना जरूरी है जरूरतमंद तक। गांव में एम्बुलेंस का 35 मिनट में पहुंचना जरूरी है। देश में 27% मौत की वजह सही समय पर सही इलाज ना मिलना है। भारत में 1681 लोगों पर एक डॉक्टर है। भारत के संविधान में मरीज को इलाज का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 42 और 47 में इलाज के अधिकार का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 47 में लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।